हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सैनिक स्कूल मैनपुरी से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। वेतन के साथ में यहाँ रेजिडेंस प्लस फूड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेगुलर वैकेंसी भी निकाली गई है और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी भी आई है। तो वैकेंसी सैनिक स्कूल मैनपुरी से आई है। नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो नर्सिंग असिस्टेंट जो कि रेगुलर बेस पर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बेसिक पे जो है 25,500 प्लस मेडिकल प्लस ट्रांसपोर्ट, ये सुविधा जो है नर्सिंग असिस्टेंट को दी जा रही है। और यहाँ पर TGT की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। केंद्रीय विद्यालय में जैसे सैलरी दी जाती है 26,250, और साथ में जो है यहाँ पर फ्री फूड और रहने की सुविधा ये भी आप लोगों को अवेलेबल होगी। काउंसलर की वैकेंसी है 26,250 प्लस फूड एंड रेजिडेंस। जैसे PRT को मिलती है केंद्रीय विद्यालय में, आर्ट मास्टर को इतनी सैलरी दी जा रही है 21,250, और बाकी आप जानते ही हैं। सैनिक स्कूल जैसा कि आपको पता है आवासीय विद्यालय है, तो जहां स्टूडेंट्स भी जो है उनको भी रहना खाना वहीं पर होता है, इसी तरीके से टीचर्स के लिए। नर्सिंग सिस्टर में केवल फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी की अप्लाई कर सकती हैं। 30,000 सैलरी है, फ्री फूड है और साथ में रहना। PTI एंड PEM कम मैट्रोन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी है, और अनरिजर्व कैटेगरी की केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। 21,250 जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो चलिए देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या कहा गया है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 18 से 50 साल उम्र रखी गई है। TGT साइंस के लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री में बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, BEd चाहिए और CTET चाहिए, और जो है इंग्लिश मीडियम से जो है पढ़ाना होगा। 21 से 35 साल जो है रखी गई है TGT साइंस। काउंसलर की वैकेंसी में ग्रेजुएशन या BSc साइकोलॉजी से, साथ में जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा काउंसलिंग का होना चाहिए, इंग्लिश जो है आपको बोलनी आनी चाहिए, 21 से 35 साल जो है उम्र रखी गई है। तो ये जो वैकेंसियां हैं जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट को छोड़ के सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी हैं, 21 से 35 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है आर्ट मास्टर के लिए, और 5 साल का जो है यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट का, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मांगा गया है आर्ट मास्टर के लिए। नेक्स्ट नर्सिंग सिस्टर की जो वैकेंसी है, तो डिप्लोमा या डिग्री वाले जिन्होंने नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, 5 साल का अनुभव है, 18 से 50 साल उम्र है, यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। PTI की जो वैकेंसी है उसमें डिग्री या डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए और 18 से 50 वर्ष जो है यहाँ पर उम्र है। तो ये जो है आपको बताइए मैंने क्वालिफिकेशन, पोस्ट का नाम और सैलरी, साथ में एज। उसके बाद जो है अदर कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो स्कूल की जो मेन वेबसाइट है मैनपुरी www.manpuri.nic.in या फिर sainikschoolmainpuri.com, ये जो मेन वेबसाइट है इसकी, तो इस पर आना होगा और यहीं पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवाना है, जनरल और OBC कैंडिडेट को ₹500 का और SC ST कैटेगरी को ₹250 का। किस नाम से बनवाना है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, और बैंक डिटेल जो है SBI बैंक स्टेशन रोड मैनपुरी, ये IFSC कोड है, ये सब डालना होगा। एड्रेस रहेगा स्कूल का, एनवलप के ऊपर लिखेंगे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी विलेज नौनेर खर्रा आगरा रोड तहसील सदर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205119। यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन जो है आप लोगों का पहुंच जाना चाहिए 27 दिसंबर 2023 से पहले, यानी आप लोगों के पास जो है 6-7 दिन हैं। दोबारा से जो है वो एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, ये पूरा एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन जो है कैसे रहेगा, तो सिलेक्शन भी जो है लिखा हुआ है सैनिक स्कूल में। हमेशा आप देखते हैं सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये जो है 3 स्टेज होते हैं, इनसे होकर आपको निकलना होता है सिलेक्शन पाने के लिए। नीचे जो है आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है यहाँ लिखना है, बाकी जो है जनरल इन्फॉर्मेशन आपका नाम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर एज वगैरह सारा डालेंगे। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर लिख देंगे, आपको पता है यहाँ पर जो है अनुभव
बिल्कुल मांगा गया है, तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको लिखना होगा, ठीक है। बाकी जो है बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे तो उसका नंबर जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सोच समझ के जो है आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि जो आपके 500 रुपीज़ हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो फिल करेंगे, तो ये 500 रुपये जो है आपके वापस नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अगर जिसको भरना है अच्छे तरीके से भरेंगे, लास्ट में डेट प्लेस सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। 2-3 बार जो है एप्लीकेशन फॉर्म को देखना कि हमने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। बाकी जो है नोटिफिकेशन को दोबारा से पढ़ना, क्योंकि 500 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। सबसे पहले मेन वेबसाइट पर आना होगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे www.sainikschoolmainpuri.com, तो ये जो है आपके सामने पेज होगा। उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं न्यू में सेकंड जो दिख रहा है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिसंबर 2023, 6 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है ये। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, और आपके सामने जो है ये पूरा डिटेल में एडवर्टीजमेंट आएगा।